रहा है। ओके एफपीपी का गेम चालू हो चुका है, डायरेक्ट अंदर घुसेंगे हम। यहाँ पे पंक मिड वेयरहाउस पुश करते हैं, वहीं जोनाथन भी उनके जस्ट सामने होंगे। जोनाथन बाहर निकले, ये यहाँ पे जोनाथन यहाँ पे फर्स्ट फिनिश लेते हुए पंक के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे टेबल पे रखेंगे। जोनाथन हेलमेट और वेस्ट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, बट एक फाइट लेने के लिए तो रेडी है। यहाँ पे पंक को सामने देख लिया था, प्री फायर देने की कोशिश होगी, दोनों ही एक दूसरे के प्री फायर में कॉट नहीं हो रहे। ये बेहतरीन मोमेंट आई उनकी तरफ से, जोनाथन की तरफ से, विदाउट डैमेज लिए पंक को घर वापसी करवाई एंड दो पॉइंट टेबल के ऊपर रख दिए। मुझे लगता है जोनाथन भाई टपाटप देने के इरादे से इस बार आए हैं, असली हैकर लग रहा है। हैक डाउनलोड हो चुका है जोनाथन का, सच में मुझे लग रहा है कि पीछे जो क्लच गॉड बैठे हैं हमारे जो लाला भाई हैं, उन्होंने जो बोला है कि जल्दी से सुमड़ी में जो है हैक टेलीपोर्ट कर दिया है जोनाथन के फोन में, और अभी वो हैक क्या है इंस्टॉल हो चुका है। बट पंक के लिए यही मौका है कमबैक करने का, गन स्विच करेंगे, जोनाथन सामने आएंगे, फिर से मूवमेंट में बीट किया एंड पंक को काफी ज्यादा लो करेंगे। पंक गन स्विच पे आएंगे, जंप करेंगे, जोनाथन जोनाथन ओ माय गॉड, एक ही बारी में लीड को पूरी तरीके से कवर कर दिया उन्होंने। ये फाइनल है मेरे दोस्त, ये कोई सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल नहीं है। जोनाथन आराम से खेलो मेरे दोस्त। यहाँ पे पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, जोनाथन वहीं रीसेट होके आ चुके, दोनों ही प्लेयर एक तरीके से रीसेट है, दोनों के पास हेलमेट वेस्ट एकदम नया है। पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, काफी ज्यादा डैमेज उन्होंने जोनाथन के ऊपर दे दिया है। जोनाथन के पीओवी से चलेंगे पंक, यहाँ पे हिप फायर एंड जिगल में जोनाथन को मात देते हुए फाइनली एक पॉइंट टेबल के ऊपर रखा है, तो इससे एटलीस्ट लीड फिर से पंक के पास आ जाएगी। अच्छा खासा प्री फायर देने की कोशिश की गई थी बट पंक यहाँ पे झांसे में नहीं आते हुए ट्रेलर के पास फिर से ये फाइट ली जाइए। देखा ओ जोनाथन यहाँ पे काफी ज्यादा लोज किए, पिस्टल पे आए, एक्यूरेसी ऑन पॉइंट, स्विच ऑन पॉइंट, रिफ्लेक्स ऑन पॉइंट, इस कैलिबर के प्लेयर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। पंक यहाँ पे रैम के ऊपर चढ़ेंगे, प्री फायर देने की कोशिश की थी, गलत मूव हो सकता है बट पंक कमिंग अप विद एन ऑसम एडीएस स्प्रे ऑन जोनाथन, काफी लोग करेंगे जोनाथन को, हाफ एचपी जोनाथन है, प्रोन किया। ओ माय गॉड ये क्या देख रहा हूं मैं, ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। पंक यहाँ पे समहाउ एडवांटेज ले गए दोनों के हगने का, बट इसी तरह पंक ने निकाल लिया एंड यहाँ पे जिगल वाली फाइट आई। यहाँ पे जोनाथन ओवरकम करते हुए 6-2 का स्कोर, पंक को फिर से घर वापसी गृह प्रवेश कराया जाएगा। 4 पॉइंट्स की लीड अभी जोनाथन के पास है, तो एक तरीके से इक्वल पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। पंक यहाँ पे पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, बाहर दोनों ओपन में आ चुके हैं, जिगल वाली फाइट हुई, जोनाथन काफी ज्यादा डैमेज लिए। जोनाथन के पीओसी देखेंगे, वो अंदर भाग रहे हैं, थोड़ा बहुत कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं बट पंक मौका नहीं दे रहे। पंक कॉन्स्टेंटली उनको पुश करे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है जोनाथन लो है एंड यही मौका है उनको मारने का। बेहतरीन प्री फायर देने की कोशिश की गई यहाँ पे बट जोनाथन प्री फायर में पकड़े नहीं गए, काफी अच्छा ज्यादा डैमेज दिया है जोनाथन को। भागने की बारी जोनाथन की है इस बार एंड भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा लो थे और वो जगह ऐसी थी कि वहां पे भागना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जोनाथन राइट हैंड साइड से पुश करने की कोशिश करेंगे, वही पंक मिड वेयर हाउस होल्ड करेंगे, मिड वेयर हाउस से बाहर निकले, देखना ये होगा कि क्या रैंप पे चढ़ेंगे। यस रैंप पे जोनाथन, ये जगह उनका घर है, उनका गढ़ है, हमेशा चढ़ना उनको जरूरी है। यहाँ पे काफी ज्यादा लो करेंगे, हाइट एडवांटेज का पूरा पूरा एडवांटेज लिया यहाँ पे, पंक को फिनिश किया, 7-4 का स्कोर टेबल पे रखा है एंड आगे बढ़ेंगे इसके साथ। वेस्ट 20% डैमेज हो चुकी है बट नॉट ए बिग डील, फाइट लेने के लिए एब्सोल्युटली रेडी है, हेल्थ पूरी तरीके से वापस आ चुकी है, फ्री फायर देंगे। ऐसे ही फ्री फायर में पंक को पिछले राउंड में लिया था बट इस बार पंक समझ चुके हैं कि इस तरह से फ्री फायर आता है और मैं नहीं आऊंगा। अच्छा फायर दिया, अच्छा हेड कनेक्ट हुआ, जोनाथन काफी लो है, 0 HP लॉस हुई पंक की एंड अगर 0 HP लॉस हुई तो कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल आता है, फिर तो पुश करना ही करना बनता है। पंक यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए पुश करेंगे, जंप शॉट दिया, हेड यहाँ पे जोनाथन का जा चुका है पूरी तरीके से, हेल्थ रीजन करने की कोशिश रहेगी बट जोनाथन भी सामने से वापिस से आते हुए, बट इस बार पंक बोल रहे हैं कि यार कमबैक तुमने किया, अब कमबैक मेरा होगा। हाफ एचपी पे है पंक, एचपी फुली फुली गेन कर लेंगे वापिस से एंड यहाँ पे मिड वेयर हाउस में फाइट ली जाएगी। काफी ज्यादा अच्छा एडीएस दोनों की तरफ से आता हुआ बट
पंख यहाँ पे भारी नुकसान जोनाथन को करते हुए कुछ करने की कोशिश रहेगी। हेल्थ रीजन को रोक दिया गया है, पंख वहीं पे फुल्ली रीजन हो चुके हैं, फिर से हेल्थ रीजन को रोका जाएगा। यहाँ पे जोनाथन भारी समस्या में आते हुए, जोनाथन जो लीड बनाई थी, जो लीड कवर की थी, उसको फिर से एक बार गवाते हुए देखना बड़ा दुख की बात है इस तरह से। बट सामने जो प्लेयर है वो भी कोई कम थोड़ी ना है। यहाँ पे हाई ग्राउंड का एडवांटेज लेने की कोशिश ली जाएगी पूरी तरीके से। एक पॉइंट फिर से टेबल पे आगे बढ़ेंगे जोनाथन। धीमे धीमे गाड़ी चल रही है, बट चल रही है, कैसे भी चल रही हो धीमे धीमे चल रही है, चल रही है, चलने से मतलब है। दोनों के बीच में जिगल वाला ये जो आया है बेहतरीन आया था, बट जंप शॉट के साथ यहाँ पे जोनाथन इस जिगल फाइट को अंजाम देंगे। अपने आप को लग रहा है नेड करने के इरादे से आए हैं पीछे, नहीं, फाइट लेने के इरादे से आए हैं। 30% वेस्ट अभी भी बचा है, फाइट लेने के लिए मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा। जिस पॉइंट पे अभी वो खेल रहे हैं काफी ज्यादा क्लोज है, बट इफ ही इज कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। काफी ज्यादा दोनों लो है, यप ही इज कॉन्फिडेंट, ये बताता है कि मेरे कॉन्फिडेंट ना कॉन्फिडेंट मेरे राय देने से कुछ नहीं होता। प्लेयर अगर कॉन्फिडेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है। अपने आप को फिर आप नेट से मारेंगे, आपको डेफिनेटली रिस्क लेना वर्दी नहीं है। 10-7 का ये स्कोर हो चुका है, 3 पॉइंट की लीड मेंटेन यहाँ पे जोनाथन कर रहे हैं। इस एफपीपी राउंड में पंक रेडी थे जोनाथन को यहाँ पे मारने के लिए, बट स्पॉन प्रोटेक्शन में वैसे भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। काफी लो करेंगे यहाँ पे एंड पंक को यहाँ पे खत्म करेंगे। लो हो चुके हैं तो पंक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वो भाग भी नहीं सकते थे, पीठ दिखा के अगर भागते तो तुरंत जाते। इससे अच्छा उन्होंने फाइट ली, वाज अ गुड डिसीजन बाय हिम। दोनों आमने सामने प्री फायर दे रहे हैं, एडीएस वाली फाइट यहाँ पे आ चुकी है। अब क्लोज इन, प्रोन किया, प्रोन करना ही यहाँ पे एक गलती साबित होता हुआ जोनाथन के लिए। 3 मिनट का गेम अब बचा है दोनों प्लेयर्स के बीच में। जोनाथन यहाँ पे प्री फायर देने की कोशिश करेंगे, पंक वहीं पे फिर से प्री फायर देने की कोशिश करेंगे, बट दोनों ही प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल उमदा प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट से फिर से ओपन में प्री फायर जिगल वाली फाइट आते हुए देखना ये होगा कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। यहाँ पे पंक फिर से एक कमबैक करते हुए 11-9 का स्कोर हो चुका है। अपने आप को ग्रेनेड से उड़ाएंगे एंड फिर से रीसेट करेंगे स्कोर को एंड अपने आर्मर और वेस्ट को। 11-9 का स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड यहाँ पे जोनाथन के पास है इस गेम में। अब देखना ये होगा कि क्या जोनाथन लीड को बढ़ा पाएंगे या पंक लीड को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आते ही जोनाथन काफी ज्यादा डैमेज दिए है, हेलमेट पूरी तरीके से ऑलमोस्ट पंक का जा चुका है। पुश करने की कोशिश रही जोनाथन के द्वारा, काफी ज्यादा डैमेज दिया, बट जोनाथन जो लो थे पंक उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश किया एंड उठाया भी। यही मौके जो हैं वो ही लीड को बढ़ाते हैं एंड जोनाथन ऐसे मौकों को बिल्कुल भी चूक नहीं रहे। पंक ऑन द अदर एंड प्री फायर पूरी तरीके से देने की कोशिश है, जोनाथन ट्राई कर रहे हैं कि प्री फायर में नहीं आए एंड पंक यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा डैमेज दिया यहाँ पे जोनाथन को, बट जोनाथन अपनी मूवमेंट से आउट प्ले करते हुए पंक को लेफ्ट से सडनली राइट में मूवमेंट करके आए। यहाँ पे जोनाथन अपने आप को नेट से फिनिश करेंगे एंड फिर से रीसेट होके आएंगे एक बार नया आर्मर और वेस्ट के लिए। 4 पॉइंट की फिर से लीड मेंटेन किया उन्होंने। अब मुझे लग रहा है कि पंक वापसी गेम में वापसी करेंगे और 2 बार जोनाथन को लगातार मारेंगे। मुझे जहां तक लगता है यही होने वाला है, क्योंकि इन दोनों प्लेयर के बीच में यही हो रहा था, बट नहीं, इस बार जोनाथन कमिंग अप विद द लीड ऑन पंक। जोनाथन की बात करें, मिड वेयरहाउस होल्ड किया है, वहीं पंक पुशिंग करने की कोशिश करेंगे मिड वेयरहाउस में। सामने आ चुके हैं जोनाथन के, दोनों के बीच में जिगल वाली फाइट हुई थी एंड जोनाथन काफी इजीली ये वाली जिगल फाइट निकालेंगे। 15-9 का स्कोर हो चुका है। एफपीवी में पंक एक हद तक पीछे होते हुए नजर आ रहे, बट अभी भी मौका है, अभी भी मौका है स्कोर को टाई करने का, क्योंकि पंक के पास 4 पॉइंट की लीड है। इसलिए उन्हें सिर्फ 2 बार जोनाथन को मारना है एंड ही विल बी ऑल इन द इक्वल जोन। बट नहीं, जोनाथन मौका नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे कि वो लीड को कवर होने दे या कम होने दे। पंक यहाँ पे अच्छा प्री फायर देने की कोशिश, बट स्पॉन प्रोटेक्शन होने की वजह से बिल्कुल डैमेज नहीं लिया। जोनाथन ने काफी अच्छा डैमेज यहाँ पे पंक को दिया। अब मूवमेंट देख लो, मूवमेंट ये होती है बेहतरीन प्लेयर की। बेहतरीन प्लेयर होने का इशारा कि किस तरह से वो मूवमेंट की गई थी।
5 सेकंड बचे, आई डोंट थिंक के राउंड अब हो पाएंगे, तो जोनाथन टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं, वाइड लेने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। 9-17।